अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कम्प्लीट हिंदू न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, एज वेल एज दिस वीडियो इज बायलैंग्वल, इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में इजीली आपको पूरी न्यूज़पेपर पढ़ा दूंगा, ठीक है, और समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे, उसकी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, सो बस आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या, दैट यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल पसंद आएगा, सब वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ओके, नाउ मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, जो नहीं होंगे उनको हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट के स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ गवर्नमेंट के स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हैं, उनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है रिसेंटली। 0.1% किसी बढ़ाए गए हैं, किसी के 0.2%, किसी के 0.3%, ठीक है। तो 0.1 से लेकर 0.3% तक के जो हैं वो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स, उसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज जो इंडियन रुपीज का जो डेली हम लोग डिप्रिसिएशन देख रहे हैं, ये बताया गया है ऑथर के द्वारा कि हो बट इन ओल्डरली वे, ठीक है। जैसा कि हम पहले की बात किए थे, जैसा हम पहले मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, दैट 2002 में क्या हुआ था, 2002 से पहले की अगर मैं कहानी बताऊं आपको, तो 40 रुपीज अगेंस्ट डॉलर था, ठीक है, अगेंस्ट डॉलर कितना था, 40 रुपये था, ठीक है। आज के डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस टाइम पे 2002 के टाइम पे ना ये 40 बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उस टाइम पे, इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2002 में हम देखेंगे कि ये बढ़कर कितना हो गया था, 50 अगेंस्ट डॉलर, ठीक है, 50 इंडियन रुपीज़ अगेंस्ट डॉलर। उसके बाद गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ गए, ठीक है, रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है, कंट्री के अंदर इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना पड़ा, ठीक है। वो सारी चीज़ों को करने के बाद 2007 में जब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे तो बहुत ज़्यादा दंग रह गए हम देख के, ठीक है। 2007 में क्या हुआ, ये वापस से अगेन आ गया 40 रुपये पर डॉलर पे, ठीक है, पर डॉलर पे कितना आ गया, 40 रुपये आ गया वापस से, ठीक है। तो जो एक हम देख रहे थे कि इंडियन रुपी उस टाइम पे भी क्या हो रही थी, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी, वो इंडियन गवर्नमेंट क्या किए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के बाद, एक्सपोर्ट को सुधारने के बाद, वापस से इंडियन वैल्यू की जो गिरावट थी उसको रोक कर और उसको अपने पुराने टाइम पे जैसे उसको पहुंचा दिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अगेन करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ सेक्टर्स पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट थे, बट हालांकि हम लोग ओपिनियन को इतना डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, आपके लिए बस वर्बली आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रुपीज आज की डेट में 81.67 तक पहुंच गई है, ठीक है। और ये आने वाले एक रिपोर्ट भी बताती है कि 2030 तक जो इंडियन रुपी है वापस से 70 अगेंस्ट डॉलर हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। नाउ मूव टू द हेडलाइंस की तरफ मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्सेस 51 ईयर ओल्ड कर्ब, सिंगल वुमेन गेट इक्वल अबॉर्शन राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 51 साल का पुराना एक जो था, बोल सकते हैं पुराना, ये क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का एक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, 51 साल का पुराना ये जो एक्ट था इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव किया है, ठीक है, रिमूव किया है। रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग सिंगल जो वुमेन है, अनमैरिड जो वुमेन है, उनको भी एक इक्वल राइट्स मिलना चाहिए अगेंस्ट द अबॉर्शन, ठीक है। अबॉर्शन के लिए जो राइट्स थे वो अनइक्वल थे, चाहे आप देख सकते हैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था पहले, ठीक है, इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुधारा है, ठीक है। बेंच सेज प्रोहिबिटिंग सिंगल वुमेन विथ प्रेगनेंसीज अप टू 24 वीक्स फ्रॉम एक्सेसिंग अबॉर्शन वाइल अलाउिंग मैरिड वुमेन विद द सेम टर्म्स टू गेट अ केयर अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो मैरिड वुमेन को अलाउ किया गया था उस टाइम पे कितना, 24 वीक तक अबॉर्शन कर सकती है, बट जो अनमैरिड वुमेन थी, जो सिंगल वुमेन थे, वो 24 वीक तक प्रेगनेंसीज को नहीं कर सकती थी टर्मिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ख़त्म किया है और ये एक लाइटली साइन था किसका, यहाँ पर एक साइन था डिस्क्रिमिनेशन का, जिसको रिमूव किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और ये एक्चुअली जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था,
ठीक है, यहाँ पर तीन थ्री बेंच जो जज थे उन्होंने दिया ये फैसला। डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ये बताया है कि जो 51 ईयर ओल्ड अबॉर्शन लॉ है उसको यहाँ पर ये एक्सेस किया गया है, ठीक है, एक्सेस किया गया है, रिमूव किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो अनमैरिड वुमेन है उसके लिए भी जो जो टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी का जो टर्मिनेशन है उसके वो भी बढ़ाया गया है 24 वीक ओल्ड तक, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक एक्ट का डिस्कशन किया गया है जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट 1971, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। द जजमेंट केम इन एन अपील बाई ए पर्सन हु वॉन्टेड टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी बिफोर हर टर्म्स कंप्लीटेड 24 वीक, ठीक है। तो ये जजमेंट कब आया, जहां पर एक लेडी थी जो अपना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती थी बिफोर द 24 वीक ऑफ हिट टर्म्स, ठीक है। तो उसके बाद ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। नाउ यहाँ पर एक मैं आपको बताया ना कि यहाँ पर एमटीपी एक्ट 1971 का जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो प्रोहिबिट करती है अनमेरिड वुमेन को हुआ बिटवीन 20 to 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू अबॉर्ट विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोहिबिट करती है या प्रिवेंट करती है किसको, अनमैरिड वुमेन को, सिंगल वुमेन को जो कि 20 से 24 वीक ऑफ टर्म्स प्रेगनेंसी के टर्म्स में अपने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर। और ये इनके राइट ऑफ चॉइस को हर्ट करता था, ये इनके राइट ऑफ चॉइस को हर्ट करता था, और एक टाइप का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पर फीलिंग यहाँ पर जनरेट करते थे अगेंस्ट द वुमेन्स, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भावनाएं को ठेस पहुँचाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर किया गया है। नाउ यहाँ पर दूसरी इसी के अंदर में यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने ही कहा है कि दिस जजमेंट इज ऑल्सो इंक्लूड इन दिस दैट सिंगल वुमेन राइट्स टू अबॉर्शन, ठीक है। जो सिंगल वुमेन राइट्स टू अबॉर्शन है उसी के अंदर ये जजमेंट को भी इंक्लूड किया, दैट सेक्सुअली असॉल्ट ऑफ राइट ऑफ वाइफ कैन टेक अ फॉर्म ऑफ रेप, ठीक है। तो ये एक फॉर्म ऑफ रेप टाइप का हो सकता है कि आप सेक्सुअली अगर असॉल्ट करते हैं वाइफ को, इट कैन टेक अ फॉर्म ऑफ रेप, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इसको भी जानने की जरूरत है। नाउ यहाँ पर मैं कल के दिन आपको पढ़ाया था दैट 36th नेशनल गेम होने वाला है कहाँ पर, इन मॉन्टेरा स्टेडियम, मॉन्टेरा स्टेडियम नहीं, आज के डेट में उसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सो मॉन्टेरा स्टेडियम अब नहीं रहा, ओके। तो अभी आज के डेट में कहाँ पर ये हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, ठीक है, गुजरात में हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 36th नेशनल गेम है ये, ओके। और यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है, यहाँ पर 36th स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, 36th स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराया जाएगा इन दिस स्टेडियम। और ये इवेंट स्टार्ट होगा कब से, अक्टूबर 12 से, ठीक है। लगभग 15,000 से भी ज्यादा स्पोर्ट पर्सन एंड कोचेस ने पार्टिसिपेट किए, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताई गई है इन दिस इवेंट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज यूनेस्को लिस्ट 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल, ठीक है। एक लिस्ट पब्लिश किया है यूनेस्को ने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनेस्को ने एक लिस्ट पब्लिश किया है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। और उन्होंने क्या किया है, 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल की ये लिस्ट पब्लिश की है, ठीक है, 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल की इन्होंने लिस्ट पब्लिश की है। और जिसमें से कुछ टेक्सटाइल के आपको मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कि टोडा एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड हिमरो फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो टोडा एम्ब्रॉयडरी है एंड सुंगाडी फ्रॉम तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करती है कुछ टेक्सटाइल, और हिमरो फ्रॉम हैदराबाद एंड बंधा टाई एंड डाई फ्रॉम संबलपुर इन उड़ीसा वेर सम ऑफ द टेक्सटाइल दैट मेड द कट्स, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपको ये पता होना चाहिए, ये सारे लिस्ट किसके द्वारा दिया गया है, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल के लिस्ट, ठीक है। हैंड एम्ब्रॉयडरीड सॉल मेड बाय टोडा कम्युनिटी ऑफ नीलगिरीज इन तमिलनाडु ऑन डिस्प्ले, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पर अमेजिंग यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है। सो ये हाथ से बनाया हुआ है, ये टॉवल है, ठीक है, हैंड एम्ब्रॉयडरी सॉल, सॉरी नॉट, ये टॉवल टॉवल नहीं है, सॉल है ये, ठीक है, ओढ़ने के लिए सॉल है, विंटर में जो सॉल हम ओढ़ते हैं ना उसके लिए है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये इनके द्वारा यहाँ पर ये नोटिफाई किया गया है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है जिसको टोडा कम्युनिटी के जो नीलगिरी तमिलनाडु के जो नीलगिरीज में जो टोडा कम्युनिटी रहती है वो ये बनाते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी चीजें इसमें पता होना चाहिए, ओके। रशिया क्या करने वाला है, एनेक्स करने वाला है 4 यूक्रेन रीजन टुडे, ठीक है। आज के डेट में वो चारों रीजन का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, जो खेरसन है, खेरसन हो गया, जापोरिजिया हो गया, ठीक है, डोनेट्स्क हो गया, लुहांस्क हो गया, तो इन सब में क्या हुआ था, रेफरेंडम
रेफरेंडम हुआ था, ठीक है, आई थिंक 27 सितंबर को ये रेफरेंडम एंड हुआ, और आई थिंक ये पक्ष में गया है किसके, रशिया के, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर रशियन सोल्जर्स किसी के घर में जाते हैं, गोला बारूद ये गन लेके जाते हैं, राइफल लेके ही जाएंगे, गोला बारूद छोड़ ही दीजिए, राइफल लेकर ही जाएंगे, बोलेंगे आप किसके पक्ष में जाएंगे, तो वो थोड़ी बोलेंगे भैया कि हम यूक्रेन के पक्ष में रहेंगे, रशिया के पक्ष में रहेंगे। और हाँ, ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल से सुनने में आया रहा कि ऐसा ही कुछ हुआ है, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स ना ही सब कोई, ठीक है, दोनेस्क और लुहांस की ये दिल से चाहती है कि हम रशिया को ज्वाइन करें, ठीक है, वो दिल से चाहती है कि हम रशिया टेरिटरी को ज्वाइन करें और रशिया का पार्ट बन जाए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं वहाँ पर जो चाहते हैं कि हम यूक्रेन को ज्वाइन करें, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के लोग हमेशा आपको मिलेंगे, ठीक है, इंडिया में भी दो टाइप के लोग ऑफ कोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो कैसे भी, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। इंडिया में भी आपको बोलेंगे कि हाँ यूएसए में हमें मुझे जाना है, भले वो दिल से चाहेंगे कि, जैसे कि ब्रेन ड्रेन आज के डेट में आप सबको पता होगा ना, ठीक है, एक रिपोर्ट आया था उस टाइम पे बताया, पूछा गया था सबसे, जो भी यूएसए में या फिर बाहर लोग जाते हैं उनसे पूछा गया कि आप इंडिया में आना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन 75% लोगों ने कहा कि हाँ हम वापस अपनी कंट्री में आना चाहते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि ओनली 5% लोग वापस आते हैं और बाकी जो 95% है वो लोग यूएसए में या फिर कोई अदर कंट्रीज में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताती है कि जो हमारी कंट्री है उसमें भी थोड़ा सा लैकिंग है, या फिर सैलरीज की बात करें या फिर किसी भी सेक्टर की बात करें तो उस सब सेक्टर को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, ताकि जो चीजें हैं वो कंट्रोल में रहे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यहां पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अभी हम एडिटोरियल को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, सबसे नीचे से हम लोग आते हैं, नीचे से हम लोग सबसे नीचे से आते हैं, कहाँ गया भैया, हाँ इधर, यहाँ से आते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट वन, हाँ, FMSCI के जो नए प्रेसिडेंट है उनको री इलेक्ट किया गया है, ठीक है, FMSCI के जो प्रेसिडेंट है उनको री इलेक्ट किया गया है, अकबर, ठीक है, अकबर इब्राहिम, ठीक है, अकबर इब्राहिम को री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखिएगा, अकबर इब्राहिम को री इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ FMSCI। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, इनके बस नाम याद रखिएगा, बस नाम ही आपके लिए जरूरी है और कुछ भी जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, FMSCI के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक यहाँ कुछ दिखा मुझे, यहाँ नहीं, जरूरत नहीं है, वो अभी होगा तो हम देखेंगे उसको, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, जो मैं आपको बात कर रहा था आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, वो यहाँ पर ये है, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन है एंड फैमिलीज टू सी स्मॉल गेन इन स्मॉल सेविंग्स, ठीक है, तो कुछ स्मॉल गेन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्मॉल सेविंग्स में, ठीक है, ये सीनियर सिटीजन और फैमिली का यहाँ पर कहना है, मानना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या की है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, 5 सच स्कीम्स के कुछ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है बाई 0.1% to 0.3%, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। गवर्नमेंट रेजेस इंटरेस्ट रेट ऑन 5 स्कीम बाई 0.1% to 0.3% फॉर दिसंबर क्वार्टर, ठीक है, तो दिसंबर क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है, एंड इंक्रीजेस आर द फर्स्ट चेंज आफ्टर 9th क्वार्टर, ठीक है, पॉज, ठीक है, 9 क्वार्टर पॉज के बाद ये हमने पहला चेंज ये देखने को मिला है इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ सच टाइप ऑफ स्कीम्स, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सो द रेट ऑफ किसान विकास पत्र, ठीक है, जो किसान विकास पत्र थे उसके जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाए गए हैं 7% पर, वो हो गया है, पहले कितना था, 6.9 था, ठीक है, पहले 6.9 था। ओके, यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात की गई है, इसके भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 7.6% कर दिया गया है, पहले कितना था, 7.4 था, ठीक है, पहले कितना था, 7.4, और ये इमीडिएटली लागू हो जाएगा 1st अक्टूबर से, ठीक है, कल के दिन से ये इमीडिएटली लागू हो जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, स्कीम है, इसके भी बढ़ाए गए हैं 7.6 तक कर दिया गया है इसके भी, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, और आपके यहाँ पर जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है इसको 7.1 पर रखा गया है, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को 7.1 पर रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी जो स्कीम्स थे जो कि गवर्नमेंट रन है, इनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यूएसए ने अनाउंस किया है $810 मिलियन का फंड फॉर द पैसिफिक आइलैंड, ठीक है, यूएसए ने अनाउंस किया है क्या, $810 मिलियन का फंड फॉर द
पैसिफिक आइलैंड, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको जॉट डाउन कीजिएगा कि यूएनएसए ने फंड अनाउंस किया फॉर द पैसिफिक आइलैंड ऑफ 810 मिलियन डॉलर। ठीक है, ये कहाँ पर एक्चुअली ये अनाउंस कहाँ पर किया गया? ये वाशिंगटन डीसी में अनाउंस किया गया है। आई थिंक ये वाशिंगटन डीसी में ही होगा। हाँ ऑफकोर्स ये सबमिट हो रहा था वहाँ पर, ये अनाउंस किया गया प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी के द्वारा। ओके, और द व्हाइट हाउस है सेट 600 मिलियन डॉलर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 10-ईयर पैकेज टू क्लीन अप एंड डेवलप डर्टी वाटर टू सपोर्ट द टूना इंडस्ट्री। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जोट डाउन कीजिएगा कि व्हाइट हाउस ने ये क्लियर कर दिया है कि जो 600 मिलियन डॉलर का जो लोन है ये एक्चुअली किस लिए दिया जाएगा, एक तरीके का ये 10 साल का पैकेज होगा टू क्लीन अप एंड डेवलप द डर्टी वाटर। ठीक है, डर्टी वाटर को डेवलप करने के लिए, क्लीन करने के लिए 10 साल का पैकेज होगा टू सपोर्ट टूना इंडस्ट्री। ठीक है, टूना इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। व्हाइल यूएस विल ऑल्सो एक्सपैंड क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एड्स एंड इट्स डिप्लोमेटिक प्रेजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस की बात की है यूएस ने, और कुछ यहाँ पर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एड्स एक्सपैंड करेंगे यूएस। ठीक है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। क्राइसिस की वजह से जो लेबनान है वो अपना नया प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट नहीं कर पाए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट राउंड, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। आफ्टर दैट अभी यहाँ पर जो है अपने नए प्रेसिडेंट को अभी लेबनान फेल्ड है इलेक्ट करने में। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया वॉन्ट्स अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल सेंसिटिविटी विथ चाइना। ठीक है, चाइना के जो चाइनीज एम्बेसडर है उन्होंने तो कह दिया कि हाँ यहाँ पर बॉर्डर पर जो सिचुएशन है ये नॉर्मलाइज्ड है। ऑफ कोर्स आज के डेट में अभी तक तो कोई वहां से दिखने को नहीं मिल रहा सिचुएशन, 2020 के बाद अब तक तो कोई चाइना साइड से ऐसा कोई एग्रेशन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स अभी हमें जो देवसांग रीजन है, देमचौक रीजन है, वहां पर अभी हमें डिसएंगेजमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, हमें एक म्यूचुअल जो रिलेशन है उसको म्यूचुअल कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। बैठकर बातचीत करने से ही ये सारी चीजें सॉल्व होगी। ये सारी चीजें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी का ये कहना है कि जो रिलेशन है वो म्यूचुअल सेंसिटिविटी पे हो तो अच्छा हो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको भी। हाँ, यहाँ पर एक कल न्यूज़ आई थी नॉर्ड स्ट्रीम 2, आपको पता होगा शायद, ये एक रसिया की जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, वो गैस पाइपलाइन जो कि यूरोप से ये गैस पाइपलाइन जोड़ने का काम करती है, और जो सी था उसमें क्या हुआ है, लीकेज यहाँ पर देखने को मिला है। और क्लेम कर रही है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे क्लेम कर रही है कि ये सारी चीज़ें यूएसए का किया हुआ है, और यहाँ पर जो पुतिन है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, और ये अब रसिया से डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि क्या ये आपने किया है, क्या ये जो ब्लास्ट है आपने किया है, जो गैस लीकेज हो रही है, क्या इसका रीजन आप हैं। ठीक है, अगर ये एक्सेप्ट हो गया, अगर ये प्रूव हो गया कि इसके पीछे यूएसए का हाथ है, तो भैया आप तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 3 आप कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, सो यहां पर ये भी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये सारी चीज़ें है बॉस्टन वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ पर और कुछ तो इंपॉर्टेंट इसमें नहीं दिखा मुझे। ठीक है, मोर फॉरेन टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर अफगान सिचुएशन। ठीक है, अफगान का जो सिचुएशन था उसके बाद अगर हम देखें तो ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर हमें जम्मू एंड कश्मीर में दिखे हैं। हालांकि जब जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, आर्टिकल जो 370 है उसको रिमूव किया गया, जो कि एक स्पेशल स्टेटस देती थी किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, तो हमने देखा है जो नंबर ऑफ स्टोन थ्रोइंग इंसिडेंट्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टोन थ्रोइंग जो इंसिडेंट्स थे वो रिड्यूस हुए हैं। ये किसका कहना है, कुलदीप सिंह का, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के क्या हैं, डायरेक्टर जनरल है। ये उनका कहना है कि ज़्यादा यहाँ पर फॉरेन टेररिस्ट यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले हैं, और जो स्टोन थ्रोइंग इंसिडेंट्स है वो अभी रिड्यूस हुए हैं इन द सेक्टर। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं, बिहार के आईएएस ऑफिसर हैं हरजोत कौर बमरा। इन्होंने एक्चुअली एक स्टूडेंट जो है उन्होंने पूछा था कि जो सैनिटरी पैड्स है उनके जो रेट्स है क्या हमें 20 और 30 रुपये पे मिल सकते हैं, तो ये अब शब्द भाषा में यूज़ करते हुए निरोध का बात करने लगे। ठीक है, तो नीतीश गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एक्शन की बात की है।
बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आज क्या है, आज है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ठीक है, 30 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे टू सेलिब्रेट द वर्क ऑफ ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर की जो वर्क है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इस दिन को मनाते हैं, एंड देयर रोल इन एडिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में उनकी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑन 30 सितंबर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सॉरी, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में है, बहुत ही प्यारा ये आर्टिकल, दैट इज द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ये बिल को लाया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। मैंने इस बिल को पूरा पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो लगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो आपके 2-3 क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि डज द न्यू बिल डायलेट द पावर ऑफ टेलीकॉम अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई। ठीक है, ट्राई की हम बात करें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या ये जो नया बिल आया है ये इसके पावर को क्या करेगा, डायल्यूट कर देगा। ठीक है, क्या इसके पावर को रिड्यूस कर देगा या फिर कम कर देगा या तो हटा दीजिए देगा, ये आप इसमें कह सकते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्लूडिंग OTT कम्युनिकेशन सर्विस विद द डेफिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके इफेक्ट क्या होंगे अगर हम OTT कम्युनिकेशन सर्विस को इसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, इसके डेफिनेशन क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। ठीक है, विस्तार से हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर एक प्रपोजल दिया गया था, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का प्रपोजल दिया गया था, ड्राफ्ट प्रपोजल दिया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा यह रिलीज किया था। ठीक है, अभी आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कौन है, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव, और इन्होंने ये बिल को पब्लिश किया। ठीक है, और ये बाद में इन्होंने कहा कि ये बिल को एक्चुअली पब्लिक में छोड़ दिया गया फॉर द डिस्कशन। ठीक है, पब्लिक में छोड़ दिया गया फॉर द डिस्कशन, और वेरियस यहाँ पर डिस्कशंस हुई, बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, पूछे भी गए, आंसर्स भी दिए गए। ठीक है, तो बाद में अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि ये जो बिल है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में ये कंसिडर कर दिया जाएगा। ठीक है, कंसिडर कर दिया जाएगा अगर पब्लिक यहाँ पर कुछ यहाँ पर सही है, तो अगर ये बिल सही है तो ये कंसिडर कर दिया जाएगा नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में। ठीक है, अब ये ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल है क्या, ये आपको पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज दिस बिल। ठीक है, अब ये है क्या, जो ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल है ये एक अटेम्प्ट है विच इज मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक अटेम्प्ट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है टू अपडेट द एक्सटेंडेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन कीपिंग विद द एडवांस एंड चैलेंजेस इन द सेक्टर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो पुराने बिल्स थे ना, जो पुराने बिल्स थे, पुराने एक्ट थे, नहीं बिल, वो एक्ट बोल सकते हैं, हाँ वो पास हो चुके हैं, वो एक्ट, बिल तो जो नहीं पास होते हैं उसको बोलते हैं ना, जैसे ये बिल है। ठीक है, अब ये पास हो जाएगा ना तो बाद में जाकर ये बन जाएगा इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2020, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2022। ठीक है, तो अभी ये रहेगा बिल, जो पुराने एक्ट थे लगभग वो 70 साल पुराने हो चुके हैं। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है एज पर अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एज पर अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट्स एंड चैलेंजेस इन द सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है 3 बिल के बारे में, ये जो बिल है ये क्या करेगा, 3 एक्ट को अमेंड करेगा। कौन कौन से वो एक्ट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, 3 एक्ट को क्या करेगा, अमेंड करने का काम करेगा। ठीक है, पहला क्या है, सॉरी, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट इनएक्टेड इन 1885। ठीक है, पहला किसको अमेंड करेगा, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो कि इनएक्ट हुआ था 1885 में उसको। दूसरा, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफिक एक्ट विच वॉज इनैक्टेड इन 1933। ठीक है, सो 1933 का एक इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट था जिसको इनैक्ट किया गया था 1993 में उसको। और तीसरा क्या है, टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजिशन एक्ट इन 1950। ठीक है, तो 1950 में इस सेक्टर में जो आया था वो लास्ट, इसका लास्ट था 1950। ठीक है, उसमें आया था क्या, टेलीग्राफी वायर अनलॉफुल पोजिशन एक्ट, उस टाइम पे ये आया था। और इन तीनों को क्या करेंगे, अमेंड करने की, इन तीनों को रिपेल करने की, रिमूव करने की, कैंसिल करने की बात की गई है। ठीक है, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल लुक टू रिपील दिस लेजिस्लेशन एंड रीस्ट्रक्चर द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ठीक है, तो इन जो तीनों बिल है इसको रिमूव करने की बात की गई है, रिपील करने की बात की गई है और कुछ अमेंडमेंट्स करने की बात की गई है। ठीक है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ हाउ डज द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल अफेक्ट ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विस। ओवर द टॉप क्या है, OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा बहुत सारा न्यूज़। ठीक है, बहुत सारा
न्यूज़ ये ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, कम्युनिकेशन सर्विस है, एक टाइप ये रेफर करती है क्या, टू सर्विस दैट प्रोवाइड रियल टाइम पर्सन टू पर्सन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है रियल टाइम पर्सन टू पर्सन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, पर्सन टू पर्सन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है ये रियल टाइम में। ठीक है, सम पॉपुलर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसके, जैसे व्हाट्सअप हो गए, टेलीग्राम हो गए, सिग्नल्स होंगे, ठीक है, और मैसेंजर्स होंगे, ड्यूओ होंगे, गूगल्स होंगे, मीट होंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं किसके, ओटीटी प्लेटफॉर्म के। दीज प्लेटफॉर्म यूज द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर लाइक एयरटेल, वोडाफोन, जियो। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसके नेटवर्क्स को यूज करते हैं, ये टेलीकॉम के जो कुछ टेलीकॉम सेक्टर है जैसे कि एयरटेल हो गए, वोडाफोन हो गए, जियो हो गए, इनके सेक्टर्स को ये क्या कर सकते हैं, इनके सेक्टर की जो सर्विसेज है उनको ये यूज करते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है कि जो ये क्या करते हैं, ये फीचर प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड फीचर दैट कंप्लीट विथ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सच एज वॉइस कॉल, एसएमएस सर्विस। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक टाइप का फीचर प्रोवाइड करते हैं विच हेल्प्स इन वॉइस कॉल एंड एसएमएस सर्विस। ओके, विच हेल्प इन एसएमएस एंड वॉइस कॉल सर्विस। ठीक है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर TSPs, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स alleged that these features result in double whammy for them as they cut into their source of revenue. ठीक है, तो ये जो फीचर्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि ये जो फीचर्स हैं दैट इट विल रिजल्ट इन डबल वैमी फॉर देम। ठीक है, अगर वो कट कर देते हैं इंटू देयर रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, इंटू देयर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, तो ये क्या होंगे, डबल वैमी होंगे। वाइल नॉट हैविंग टू डील विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइसेंसिंग कॉस्ट दैट दे हैव टू अंडरटेक। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टीएसपीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बताया गया है कि इसमें टीएसपीज को, टीएसपीज का जो नुकसान है वो ऐसे होगा। ठीक है, जो करंट ड्राफ्ट है इस बिल का, इसको एक्सपैंड किया गया है, इसका जो डेफिनेशन है उसको एक्सपैंड किया गया है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, जो करंट ड्राफ्ट है ऑफ द बिल एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के जो डेफिनेशन है उसको एक्सपैंड करती है टू इंक्लूड ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, टू इंक्लूड ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस को इंक्लूड करने के लिए डेफिनेशन को यहां पर एक्सपैंड करना पड़ा। ठीक है, एज ऑफ फॉर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस। ठीक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ओटी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस मे बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइसेंसिंग कंडीशन एज टीएसपीज। ठीक है, तो जो ओटी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, जैसा कि पहले टीएसपीज के पास जो लाइसेंस हुआ करता था ना, वैसा अब इनके पास भी हो जाएगा। ठीक है, ओटीटी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के पास अब वो लाइसेंस रहेगा, ना कि टीएसपीज के पास। अंडर द एक्सटेंड फ्रेमवर्क जो टीएसपीज हैं हैव टू बी इशूड द यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस फॉर देम टू बी एबल टू प्रोवाइड टेली कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो TSPs हैं उनको क्या करने पड़ेंगे, उनको इशूड करने पड़ेंगे यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस। ठीक है, एक यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस उनको इशू करना पड़ेगा कि ताकि वो टेली कम्युनिकेशन सर्विस इंडिया में क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ईजिली, तो उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पर करना पड़ेगा, और ये यहाँ पर आपको मैंने ये क्लियर कर दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन, दैट इज वॉट is the sum of what are some of the कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स इन द ड्राफ्ट बिल। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स भी कुछ लिए गए हैं इसमें। ठीक है, ऑफकोर्स लिए गए हैं, जैसा कि आज के डेट में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, स्पैम कॉल्स आते हैं। ठीक है, आपसे बोलेंगे कि इतना ही आपके बैंक में ये प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपके इतने पैसे उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फ्रॉड कॉल्स होंगे। ठीक है, इन सबके लिए भी यहाँ पर कुछ इस बिल में प्रोविजन है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसा कि आज के डेट में फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, स्पैम कॉल बढ़ता जा रहा है, तो जो ड्राफ्ट बिल है इट पोजेस द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन communicating using any form of telecommunication service shall be available to the user receiving such communication. It's very important. ठीक है, जैसे जैसे ये frauds call, मान लीजिए आपको मैंने एक fraud call किया। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, अभी पहले आपको number ही दिखता था। ठीक है, नाम कुछ दिखता नहीं था, address वगैरह कुछ दिखता नहीं था। अब इसमें क्या होगा, अब तक क्या हुआ करता था कि where only the phone number of that person making the communication is displayed. ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ क्या हुआ करता था, फ़ोन नंबर डिस्प्लेड हुआ करता था। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर के साथ साथ नाम भी देखने को मिलेगा, फ़ोन नंबर के साथ साथ आपको यहाँ पर नाम भी देखने को मिलेगा। एंड एज पर द कम्युनिकेशन मिनिस्टर दिस फैसिलिटी वुड नॉट ओनली बी अवेलेबल फॉर वॉइस कॉल बट ऑल्सो फॉर द यूज़र ऑफ OTT कम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, ये ना ही केवल सिर्फ वॉइस कॉल
यूजर्स के लिए, बल्कि ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विस के भी यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये कारगर रहेगा। ठीक है, इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। और इसमें जो फेल्ड होंगे, जो भी इंडिविजुअल हो फेल टू डू सो, ठीक है, वो क्या होंगे, उनके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएंगे। ऑफकोर्स जो करेक्ट डिटेल नहीं देगा, ठीक है, वो पकड़ाया जाएगा, तो उसके ऊपर फाइन इम्पोज किए जाएंगे, गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस लिए जाएंगे उनके ऊपर। अब वो क्या होंगे, अप्रॉक्स 50,000 फाइन इम्पोज किए जाएंगे और सस्पेंडिंग द ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर को वो क्या करेगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा, उसके मोबाइल नंबर के मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड बेरिंग द पर्सन फ्रॉम यूजिंग टेलीकॉम सर्विस फ्रॉम अ सर्टेन ड्यूरेशन। ठीक है, तो जो टेलीकॉम सर्विस वो पर्सन यूज कर रहा था उससे उसको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, वो टेलीकॉम सर्विस वो यूज नहीं कर पाएगा फॉर द सर्टेन ड्यूरेशन। फर्दर द बिल, द ड्राफ्ट बिल ऑल्सो प्रोवाइड दैट कमर्शियल कम्युनिकेशन विच आर एडवाइजिंग एंड प्रमोशनल इन नेचर, जो कमर्शियल कम्युनिकेशन है वो क्या है, एडवाइजिंग और प्रमोशनल इन नेचर है, शुड बी मेड ओनली विथ प्रायर कंसेंट ऑफ अ सब्सक्राइबर। ठीक है, ये किसके कंसेंट से लेना चाहिए, ये सब्सक्राइबर के प्रायर कंसेंट से ये होना चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये कहा गया है ये सारी चीजें। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट हाउ डज द ड्राफ्ट बिल इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ ट्रायो। ठीक है, ट्रायो को पोजीशन कैसे इम्पैक्ट करेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रायो वॉज सेटअप इन 1997, जो कि इंडिपेंडेंट और यहाँ पर स्पेशलाइज रेगुलेटर है फॉर द टेलीकॉम सेक्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर एक फैक्ट पता चल गया कि ट्रायो कब सेटअप हुआ था, ये सेटअप हुआ था 1997 में। ठीक है, ट्रायो सेटअप हुआ था 1997 में, ये एक इंडिपेंडेंट और स्पेशलाइज रेगुलेटर है फॉर द टेलीकॉम सर्विस। ठीक है, नाउ इसको इफेक्ट कैसे करेगा, ये एक मेजर प्लेयर हुआ करता है। ठीक है, ये एक मेजर प्लेयर हुआ करता है इन द टेलीकॉम सेक्टर ऑफ हैविंग वेरियस रोल। ठीक है, बहुत सारे रोल के साथ, सच एज प्रोविजनल प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, लाइसेंसिंग, एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम। ठीक है, द नीड वॉज फेल्ट टू इंस्टीट्यूट अ रेगुलेटर दैट इज एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई गई है कि कैसे इनकी पोजिशन को हर्ट होगा, ठीक है, कैसे इनकी पोजीशन को इफेक्ट पहुंचेगा, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रायो की पोजीशन को ऑफकोर्स यहाँ पर उनकी जो पोजीशन होगी ऑफकोर्स यहाँ पर हर्ट होगी, डाइल्यूट होगी। ठीक है, अब वो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये इनकी जो पोजीशन है ये रेगुलेटरी थी, पहले ये क्या थी, ट्रायो जो थी वो रेगुलेटरी बॉडी थी। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये बिल एक एक्ट बन जाएगा तो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी ये रिकमेंडेटरी बॉडी हो जाएगी। लिख लीजिएगा, पहले ये रेगुलेटरी बॉडी थी, अब ये क्या हो जाएगी, रिकमेंडेटरी बॉडी हो जाएगी। ठीक है, जब ये बिल पास होके एक्ट बन जाएगा तो इसके बाद ये क्या हो जाएगी, रिकमेंडेटरी बॉडी हो जाएगी। और इसमें क्या होंगे, पहले क्या इसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट होगा ये वुड नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू सीक रिकमेंडेशन फ्रॉम द ट्रायो बिफोर इशूइंग लाइसेंस। ठीक है, अब गवर्नमेंट को, अब मान लीजिए जब से ये बिल पास होकर एक्ट बन गया तो ट्रायो की जो पोजिशन है वो कम हो गई। ठीक है, ट्रायो की जो पोजिशन है वो रिड्यूस हो गई और ये रेगुलेटरी से रिकमेंडेटरी बॉडी बन गया। तो इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है अब इनको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो ट्राई का जो पहले रिकमेंडेशन लेते थे उनकी अब ये जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लाइसेंस को इशू करने में अब ट्राई की जो पहले जो रिकमेंडेशन लेते थे अब उनकी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या होगा, इट विल आल्सो रिमूव द पावर ऑफ ट्राई टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट दैट नेसेसरी टू मेक सच रिकमेंडेशन। ठीक है, तो यहां पर यह भी होगा कि जो पावर है उसके जो पावर था ट्राई के पास टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट दैट नेसेसरी टू मेक सच रिकमेंडेशन, तो उसके भी पावर को क्या करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ होगा, या एक तो यहाँ पर इनसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा, कोई भी लाइसेंस इशू करने से पहले इनसे आप रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो ट्राई का रिक्वेस्ट पावर था फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, इसको भी क्या किया जाएगा, अब रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, नाउ यहाँ पर व्हाट आर द ड्राफ्ट बिल प्रोविजंस ऑन इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, तो इंटरनेट शटडाउन पे ड्राफ्ट बिल के भी कुछ प्रोविजंस है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क आईएसपी specific provision enabling the government to order suspension of international internet power has been introduced through the draft bill।
करेंटली सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विस इज ऑर्डर अंडर द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल 2017 दैट हैव बीन मेड अंडर टेलीग्राफ एक्ट 1885। ठीक है, तो यहाँ पर एक सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट का यहाँ पर सर्विस है जो कि ऑर्डर हुआ था कब, इट्स कम्स अंडर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल 2017 जिसको किसके अंडर लाया गया था, टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत इसको लाया गया था। हावेवर यहाँ पर सिविल सोसाइटी कुछ रेज कंसर्न रेज करती है दैट ये गवर्नमेंट को एक्सेप्शनल पावर्स मिल जाएंगे कि इंटरनेट के शटडाउन के ऊपर ये गवर्नमेंट को एक्सेप्शनल पावर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा क्रिटिक्स है इसमें, तो अभी भी इसको देखा जा रहा है। ठीक है, इसको लुक अपॉन करेंगे, उसके बाद इसको अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो इस बिल को पास कर दिया जाएगा और एक एक्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, सो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर उनकी पावर को रिड्यूस करने का काम किया जाएगा। ठीक है, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, देखते हैं क्या कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मूव अहेड एक मिनट। या हाँ, ये एडिटोरियल का पेज है पूरा। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, जो दो एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हैं, तो कुछ जो पॉइंट्स है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ये पूरा एडिटोरियल ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पॉइंट्स थे वो कहीं भी छोड़ने के लायक नहीं थे, वो तो ऐसे ही यहाँ पर मुझे कुछ दिखा नहीं, इसकी वजह से मैं इसको अंडरलाइन नहीं किया। नहीं तो जो पूरा एडिटोरियल है ना, आप यहाँ पर देखेंगे, रिलेटेड टू इंडिया लैक्स अ कंप्लीट पेडिट्रिक कार्डियो केयर सर्विस। ठीक है, एक पेडिट्रिक कार्डियो केयर सर्विस में इंडिया के एक बहुत बड़े लूप होल्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ा एक लूप होल्स देखने को मिले हैं यहाँ पर इंडिया का। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सोमा बासु जी ने ये आर्टिकल लिखा है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा गया है। उनको उनके द्वारा ये बताया गया है कि एक बहुत बड़ा सेक्टर जो कि इंडिया का फ्यूचर बन सकती है आने वाले टाइम पे, उसको डिनाई किया जा रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी किसी को हार्ट डिजीज होता है तो उस बच्चे को जो पेरेंट्स है उसको बताने में भी थोड़ा सा लगता है। ठीक है, उसको लगता है कि हाँ कि आपके बेटे को हार्ट डिजीज है। ठीक है, और मान लीजिए कि समझ लीजिए कि ऐसा सिचुएशन हो गया व्हेन द चाइल्ड डज नॉट गेट ट्रीटेड इन अ टाइम ड्यू टू लैक ऑफ पेडियाट्रिक कार्डिक केयर इन द वैक्सीनिटी ऑफ हिज हर होम। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसा घर जैसे यूपी मान लीजिए या फिर बिहार मान लीजिए। ठीक है, तो यूपी और बिहार इन दोनों जगह यहाँ पर आपको जो पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, कार्डिक स्पेशलिस्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक ऐसा पॉपुलेशन, एक ऐसी बड़ी आबादी जहाँ पर आपको पॉपुलेशन कार्डियाट्रिक फैसिलिटीज आपको यहाँ पर कार्डियाट्रिक नहीं मिलेगी। ठीक है, सो कॉन्गेनिटल हार्ट डिजीज which the Center for Disease Control and Prevention CDC Atlanta US acknowledged to be the most common congenital disorder is responsible for 28% of all congenital birth defect and account for 6-10% of all infant death in India। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको न्यूज बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, congenital heart disease, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली बताया गया है किसके द्वारा, ऑथर के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोर डेथ और बर्थ कॉग्निटल बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा, यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो कि अटलांटा यूएस की एजेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द, मतलब अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर देखेंगे तो 28% ऑफ दिस जो ये एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल है ऑफ ऑल कॉग्निटल बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, और लगभग 6-10% ऑफ ऑल इन्फेंट डेथ इन इंडिया। ठीक है, इट्स बीन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पेडियाट्रिशियन सेज टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन कैन सेव 75% ऑफ दिस चिल्ड्रन एंड गिव देम नॉर्मल लाइफ। ठीक है, पेडियाट्रिशियन ये कहते हैं कि लगभग 75% ऑफ चिल्ड्रंस की यहाँ पर लाइफ बचाई जा सकती थी और नॉर्मल लाइफ उनको दी जा सकती थी। द लैक ऑफ नेशनल पॉलिसी, जो लैक ऑफ नेशनल पॉलिसीज है यहाँ पर हमें देखने को मिला फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर disease in children and keep a huge number outside the ambit of treatment। ठीक है, so यहाँ पर हमें जो इंडियाज का जो नेशनल पॉलिसी है इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ लूप होल्स देखने को मिले हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन द चिल्ड्रेंस टू कीप अ ह्यूज नंबर आउटसाइड द बिट ऑफ
ट्रीटमेंट। इट इज एस्टिमेटेड दैट ओवर 1 लाख चिल्ड्रेन कीप गेटिंग एडेड टू द एग्जिस्टिंग पोल ऑफ चिल्ड्रेन अवेटिंग सर्जरी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे वेटिंग केसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग देख सकते हैं 1 लाख जो चिल्ड्रेन से ये अवेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमें साथ जाते हैं ऐसे केसेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया ऑथर के द्वारा सजेशन कि ये पेडियाट्रिक कार्डियक जो सोसाइटी ऑफ इंडिया का है एक सोसाइटी, इसके द्वारा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो प्रीवेलेंस है ऑफ कॉन्जेनिटल कार्डियक एनोलिमीज का इज 1 in every 100 लाइव बर्थ। ठीक है, तो लगभग 100 अगर बर्थ होते हैं तो उसमें एक आपको यहाँ पर कॉग्निटल कार्डिक एनोलिमिस के जो प्रेवलेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एन एस्टिमेटेड 2 लाख चिल्ड्रेंस आर बॉर्न विथ CHD एवरी ईयर। ठीक है, तो कॉग्निटल हार्ट डिजीज के साथ लगभग 2 लाख चिल्ड्रेंस हर साल बॉर्न होते हैं एंड ओनली 15,000 ऑफ देम रिसीव ट्रीटमेंट। ठीक है, जिसमें से मात्र सिर्फ 15,000 जो चिल्ड्रेन से उनको ही ट्रीटमेंट मिल पाता है। और एटलीस्ट 30% ऑफ इन्फेंट हु हैव कॉम्प्लेक्स डिफीट रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन टू सर्वाइव देयर फर्स्ट बर्थडे, बट ओनली 2,500 ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ईच ईयर। ठीक है, सो जो 30% है जो 30% इन्फेंट है जो कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट सर्जिकल इंटरवेंशन, जो कि जिसमें से हम देखेंगे कि जो 2,500 है वही ऑपरेशन से परफॉर्म किए जाते हैं हर साल। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर देखने को मिला। अ केस इन पॉइंट इज द प्राइमर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वेयर इन्फेंट वॉज वेट लिस्टेड टिल 2026 फॉर कार्डिक सर्जरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा 2026 तक फॉर द कार्डिक सर्जरी। यहाँ पर कार्डिक सर्जरी के लिए यहाँ पर 2026 तक हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक रिटायर्ड हेल्थ ब्यूरोक्रेट्स ने ये कहा है दैट देयर हैज़ बिन मोर निगलेक्ट एंड लिटिल इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, यहाँ पर बताया है कि या तो वो चीज़ें निगलेक्ट की जा रही है या यहाँ पर लिटिल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ साउथ के स्टेट्स होंगे वहाँ पर आपको अच्छे खासे पेडियाट्रिशियन मिलेंगे। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज क्रिएटिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी केयर सर्विस इज यूजुअली कंसिडर इकोनॉमिकली अनवाइएबल। ठीक है, अब यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया कि या तो ये सेक्टर नेगलेक्ट किया जा रहा है या तो ये सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट कम दिख रही है। और यहाँ पर ये रीज़न क्यों दिया जा रहा है कि जो कॉम्प्रीहेंसिव पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी केयर सर्विस है वो इकोनॉमिकली अनवाइएबल है। ठीक है, वो इकोनॉमिकली अनवाइएबल है। देयर आर 22 हॉस्पिटल एंड लेस देन 50 सेंटर इन इंडिया विद इन्फेंट एंड नियोनेटल कार्डियक सर्विस। ठीक है, तो मात्र सिर्फ 22 सेंटर हैं और 50 सर्विस सेंटर हैं। ठीक है, 50 सर्विस सेंटर हैं किसके, इंडिया में इन्फेंट और नियोनेटल कार्डियक सर्विस के। ठीक है, इन 2018 कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट रिपोर्ट ऑफ IIMS। ठीक है, तो जो यहाँ पर 2018 का कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट रिपोर्ट यहाँ पर ऑथर के द्वारा हाईलाइट किया गया है, ये बताती है कि जो साउथ इंडिया है इट्स अकाउंट फॉर 70% ऑफ दिस सेंटर। ठीक है, तो लगभग जो आपको यहाँ पर 22 सेंटर मैंने बताया ना, 22 सेंटर में आपको लगभग मान लीजिए कि 16-17 के आसपास जो सेंटर्स हैं वो सिर्फ आपको साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोस्ट सेंटर आर लोकेटेड इन द रीजन विथ लोअर बर्डन ऑफ CHD। ठीक है, जहाँ पर सबसे कम CHD के केसेस देखने को मिलते हैं वहाँ पर ये सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि केरला में आप देखें तो 8 सेंटर हैं ऑफरिंग नियोनेटल कार्डिक सर्जरी फॉर एन एस्टिमेट ऑफ लगभग 4 लाख पॉपुलेशन एनुअल चाइल्ड बर्थ। ठीक है, पॉपुलस उत्तर प्रदेश एंड बिहार का अगर आप स्थिति देखें तो यहाँ पर 48 लाख है एनुअल चाइल्ड बर्थ यहाँ पर हम देखने को मिलता है। बिहार में 27 लाख पर यहाँ पर एनम देखने को मिलता है एज पर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2012। ठीक है, 2012 के सेंसस से, बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग नियोनेटल कार्डिक सर्जरी। ठीक है, तो मैं आपको जैसा कि बिहार उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड बर्थ्स ऑफकोर्स एनुअली बहुत ज़्यादा होते हैं, 48 होते हैं। ठीक है, 48 and 27 लाख के आसपास यहाँ हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। ठीक है, बट यहाँ पर वो क्या है, कार्डिक सर्जरी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट कैपेबल। ओके, सो इन दिस कार्डिक सर्जरी। ओके, तो ये सारे यहाँ पर लैकिंग्स बताए गए हैं। लगभग बताओ 600 डिस्ट्रिक्ट विद 1.4 बिलियन
पॉपुलेशन, लेकिन लगभग 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट विद 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, देयर आर ओनली 250 पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल। ठीक है, तो मात्र आप यहाँ पर देखें तो 600 डिस्ट्रिक्ट में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन पे 250 पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट कितने अवेलेबल हैं सिर्फ, ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम क्या है, ये चींटी होते हैं ना उसके बराबर समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इतने बड़े पॉपुलेशन को संभालने के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ चाहिए होता है। ठीक है, और मान लीजिए अगर डॉक्टर ही नहीं है तो सर्वाइव कैसे करेगा ह्यूमन। ऑफ कोर्स बीमारी आती जाती रहती है, बट डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उनको क्या करने है, कम करने का काम करती है, वायरस से लड़ने का काम करती है, डिजीज से लड़ने का काम करती है। अकॉर्डिंग टू द एनल ऑफ पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जर्नल, द यूएस हैड 2,966 पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट इन 2019, आ रेशियो ऑफ 1 पर 29,196 पॉपुलेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं 29,196 पॉपुलेशन पर, यहाँ पर यूएस में आप देख सकते हैं 2,966 पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, जो कि 2019 का एक आंकड़े में बताए गए थे। ठीक है, ये इट इज़ एज पर द एनुअल पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जर्नल। ठीक है, और वहीं पर मैं अगर इंडिया की बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा हैव हायर CHD बर्डन बट डोंट हैव पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट इन द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हो गया झारखंड में, उड़ीसा में, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा CHD का बर्डन है। ठीक है, कॉग्निटल हार्ट डिजीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन है, लेकिन यहाँ पर पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है, देयर आर 4 पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट फॉर 38 दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, तो 4 पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, 38 गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें देखने को मिलेंगे। नाउ जयपुर राजस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़, कोयम्बतूर तमिलनाडु, मदुरई आपके तमिलनाडु, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा, पलवल हरियाणा, इंदौर मध्य प्रदेश आर ऑन द मैप ऑफ पेडियाट्रिक कार्डियक केयर बट लार्जली इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब ये जो मैंने आपके नाम आपको नाम बताया, जयपुर, ये सारे जो नाम बताया, रायपुर, कोयम्बतूर, मदुरई, भुवनेश्वर, पलवल, इंदौर, ठीक है, ये सारे पेडियाट्रिक केयर के राह पे तो चल चुके हैं, बट दे आर लार्जली इन्वॉल्व इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, तो जो ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर से जो लोग हैं उनको उनको थोड़ा सा हानि होगी, ऑफ कोर्स पैसे तो थोड़ा ज़्यादा ही लगेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉवर्टी को यहाँ पर ऑथर के द्वारा यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसे नहीं रहेंगे तो वो जाएंगे कैसे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो लोगों के पास पैसे होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। हाँ, यहाँ पर एक स्कीम के बारे में बताया गया है, डैट इज द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आयुष्मान भारत इज एक्सपेक्टेड टू फाइनेंशियली असिस्ट 10 करोड़ पुअर फैमिलीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया कि जो आयुष्मान भारत है, ये एक्सपेक्टेड थे कि फाइनेंशियली ये 10 करोड़ पुअर फैमिलीज को ये क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। सो फार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश हैव अपरेंटली गॉट गोइंग। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, यहाँ पर 2018 आर्टिकल बाय डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथेरेपी कार्डियोलॉजी एम्स स्टेट पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी इज नॉट प्रायोरिटी एरिया इन द फेस ऑफ कंपीटिंग डिमांड फॉर द रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ये ऑथर के द्वारा कहा गया है कि 2018 का ये आर्टिकल है डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एम्स का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी है ये प्रायोरिटी एरिया नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है कि इस फील्ड में हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम हर साल लाखों चिल्ड्रंस को यहाँ हम खोते हैं। ठीक है, जो कि एक भारत का फ्यूचर है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जैसा कि बेंगलुरु में फ्लड आया, फ्लड की वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। ठीक है, फ्लड आया, फ्लड की वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हुआ, और ये आने वाले टाइम में जो फ्लड्स है ये बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेन है, एनुअल पर एनुअम एनुअम क्या होगा, बढ़ेगा। ऑफकोर्स 650 अभी ये रिसेंट इसको बढ़ेगा, ये बढ़ के क्या हो जाएगा, 1000 mm हो जाएगा। ठीक है, पर एनम, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अभी अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, अनप्लान्ड चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ग्रीनरीज डिस्ट्रॉयड हो रही हैं, टैंक्स एंड वेट लैंड्स, इस टाइप की यहाँ पर चीज़ें को डिस्ट्रॉयड किया जा रहा है। ठीक है, और ये सारे को यहाँ पर बताया गया है कि ये सारी चीज़ों का कारण क्या है, करप्शन। ऑफकोर्स करप्शन, पॉलिटिक्स,
पॉलिटिक्स करप्शन जो चीज़ है ना बहुत ही गंदी चीज़ है, ठीक है। पॉलिटिक्स और करप्शन जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है। तो इन सबको, पहली बात तो जो प्लांट है उसको आप ज़्यादा उगाइए, ठीक है। प्लांट आप जो ट्रीज है उसको ज़्यादा उगाइए, ठीक है। आप नेचर को ही आप अगर मान लीजिए हानि पहुँचाइएगा तो ऑफकोर्स नेचर से आपको जो मिलेगा ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा, उसको फिर आप रोक नहीं पाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर किया गया है और ये सारी चीज़ें ऑथर के द्वारा बनाई बताई गई कि करप्शन इन पॉलिटिशियन, ठीक है, रेगुलेटर्स, प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट अथॉरिटीज, इनके पास जो करप्शन है ना ये करप्शन कभी कम नहीं हो रहा है और इसके लिए हमें कुछ करप्शन रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजीज के साथ आनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि करप्शन कम हो। ई गवर्नेंस सेक्टर हमने देखा, ई गवर्नेंस सेक्टर जो कि जो ऑफन हमने देखा है कि इफेक्टिव सोल्यूशन ना रहा, ठीक है, ये इफेक्टिव सोल्यूशन ना रहा। जो ई एनेबल सिस्टम है ये सिर्फ रिलोकेट करने का काम करती है लोकस ऑफ करप्शन को और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को वो सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ऑथर ने कुछ सजेशन दिए हैं, हम उसी को डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर बताई गई ना रिलेटेड टू करप्शन, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो भी ऑथर्स ने बताया है ये बताया है कि कैसे करप्शन इन्फ्लेक्ट किया है, ठीक है, कैसे करप्शन अफेक्ट किया है किसको, बेंगलुरु का, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखेंगे कि जो सक्सेसफुल एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी है इट रिलाई ऑन एक्शन अक्रॉस थ्री फ्रंट्स, ठीक है। तो थ्री फ्रंट से रिलाई करती है। पहला क्या, रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए और इवेल्युएशन होना चाहिए ऑन गोइंग एंटी करप्शन मेजर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। जो ऑन गोइंग एंटी करप्शन मेजर्स चल रहे हैं उसके ऊपर क्या होना चाहिए, रेगुलर असेसमेंट और इवेल्युएशन का काम होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, सही से चल रहे हैं कि नहीं। एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्लेयरिंग फॉल्स विक्ट्रीज, ठीक है। तो जो फॉल्स विक्ट्रीज है उसको जो डिक्लेयर हो रहे हैं उसको एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, उसको एलिमिनेट कीजिए। दे हेल्प रेड फ्लैगिंग न्यू करप्शन अपॉर्चुनिटीज इवन ओल्ड वंस आर एलिमिनेटेड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें जो क्या करती हैं ये करप्शन के को एक नया अपॉर्चुनिटी देती है, मदद करती है उसमें, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है कि एक जेन्युइन रेजिम जो कि व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन विच अश्योर्ड ऑनेस्ट सिटीजन्स पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रैट्स एंड जज ऑफ प्रोटेक्शन एज दे अदरवाइज फियर ऑफ एडवर्स रिपर्कशन फॉर अनकवरिंग इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है। जो आज की डेट में हम विशल ब्लोअर की बात कर रहे हैं जो कि ऑनेस्ट सिटीजन को क्या करते हैं, अश्योर करते हैं उनका प्रोटेक्शन, ठीक है, पॉलिटिशियन का प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। आज की डेट में वो क्या हो रही है, वो विलुप्त होती जा रही है, ठीक है। ये जो विशल ब्लोअर जो है आज की डेट में क्या होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस एश्योरिंग विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन मेजर्स कैन लीड टू द एक्सपोजर ऑफ मोर करप्शन पार्टिकुलरली एट हायर लेवल। स्विफ्ट पनिशमेंट ऑफ गिल्टी could instill a sense of fear and reduce the feeling of impunity that corrupt enjoy, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें के लिए कहा गया ऑथर के द्वारा, ठीक है। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कहा गया है, दैट देयर हैज़ टू बी अ कॉन्साइस मूव टुवर्ड्स प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर्स, ठीक है। तो एथिकल बिहेवियर्स को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि लोगों के बीच में बिहेवियरल जो है वो बना रहे, ठीक है, करप्शन उनके प्रति ना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मॉरल साइंस एजुकेशन हैज़ बीन टेंटेड बाय रिलीजियस कलर, ठीक है। तो जो मॉरल साइंस एजुकेशन है वो रिलीजियस कलर के द्वारा टेंटेड किया गया, बट श्योरली आर वी नॉट टू डेवलप एबल टू डेवलप एगोनिस्टिक रीजनल न्यूट्रिशनल वे ऑफ एजुकेशन यूथ अमंग द इम्फेटिक काइंड ऑफ माइंडफुल ऑफ लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी बी ऑनेस्ट इंटॉलरेंस ऑफ करप्शन, ठीक है। अगेन ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है कि जो कॉन्साइंस है उसको बढ़ाइए, एथिकल बिहेवियर्स को प्रमोट कीजिए टुवर्ड्स द इंडिविजुअल टुवर्ड्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट स्टेट के यहाँ पर चीज़ें को डिस्कस किया गया है और ये सारी चीज़ें ऑथर के द्वारा बताया गया है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है इन द कंट्री एंड कल्चर्स डैट हैव been able to reduce corruption substantially, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को reduce करना के लिए, जो corruption है उसको reduce करने के लिए ये तीन strategies को अपनाने की ज़रूरत है और ये हमेशा हमने देखा है कि एक तरीके का ये proof रहा है हमारे पास कि ये बहुत ही ज़्यादा successful रहा है और ये corruption को reduce भी किया है, ठीक है। So hope you got clarity, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।